आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिल्ली एनसीआर में स्थित सभी ईंट भट्टों उद्योगों पर औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले ईंट भट्टा मालिकों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण को लेकर सख्त नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही केंद्र सरकार को और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कहा है कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी आसपास ईंट भट्टे हैं वहां पर जाएं और उनका औचक निरीक्षण करें, और अगर वहां पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है ईंट भट्टा मालिकों के द्वारा तो उन पर एक्शन लिया जाए। निकासी वाले निकालते हैं और प्रदूषण का तो अभी भट्टा चलेंगे जाकर कम रेख भी नहीं है भट्टा चलेंगे। ईंटों के दामों में तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं है क्योंकि काम ही नहीं इतने चल पा रहे, लोहा इतना महंगा हो गया है, मजदूर की मजदूरी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब दो बार मजदूरी दो हफ्ते मजदूरी देते हैं, उसके बाद काम कराते हैं, अपंग लोगों को भी हम रोजगार देते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी किया है कि वो समय समय पर दिल्ली एनसीआर में ईंट भट्टों पर जाकर औचक निरीक्षण करते रहें ताकि वायु प्रदूषण साफ और स्वच्छ रहे। वायु प्रदूषण पर लगातार काम करते आ रहे हमारे साथ पर्यावरणविद हैं मिस्टर कृष्ण कांत जी, इनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से इस आदेश को देखते हैं। सर, किस तरीके से इस आदेश को आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो अपने आप में बहुत ठीक है। दरअसल क्या है कि अपने एनसीआर के अंदर लगभग 2000 के करीब जो है ईंट भट्टे वाले जो ये भट्टे जो संचालित हैं यहाँ पर, और कुछ समय पूर्व एनजीटी के अंदर एक याचिका दायर की गई थी पर्यावरण कार्यकर्ता के माध्यम से, और ईंट भट्टों पर जो है पूरी तरह से एनजीटी ने रोक लगा दिया था। इसके बाद फिर ये सब लोग जो भट्टा उद्योग वाली जितनी इकाई है इनके लोग सब वहाँ सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिली है, और साथ ही साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं इनको कि समय समय पर यहाँ पर जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है सेंट्रल का और स्टेट के जो है वो इस पर इसका औचक निरीक्षण करें और पड़ताल करते रहें। इसके कई अलग अलग तरह के प्रभाव हैं जिनकी हमको समीक्षा भी करनी चाहिए और इसकी पड़ताल करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर जो वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है उस पर सबने चिंता जाहिर की, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, एनजीटी ने भी चिंता जाहिर की है, सरकार भी इसको लेकर काफी गंभीर है। अभी जो दिखता है कि पहली बात तो ये है कि अगर इसके आर्थिक पहलू को हम देखें कि एनसीआर के अंदर जो है ये बड़ी संख्या के अंदर भट्टे के जो कारोबार है संचालित है, बहुत सारे मजदूर इनसे जुड़े हुए हैं। अभी जब एक तरफ हम देखते हैं सीमेंट और सरिया के रेट काफी बढ़ गए हैं तो वहां पर लोगों को, आम जनता को, गरीब जनता को अपने मकान भवन आदि बनाने के लिए अगर ये भट्टे बंद हो जाएंगे तो फिर बाहर से मंगाना पड़ेगा और वो काफी महंगा होगा, कॉस्टली पड़ जाएगा। एक विषय दूसरा ये है कि जो एक लंबे समय से अनियमितता बढ़ती जाती रही है, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को देखा है मैंने और विभिन्न स्थलों पर जाकर इसकी पड़ताल भी करी है कि जो सरकारी मापदंड है, जो सरकारी नियम है, उसके आदेशों का पालन तो कहीं पर नहीं होता। भट्टों के अंदर जहां आप लोग कोयले से जो है भाई ईंट जो है गर्म करेंगे उसके स्थान पर जो है उसमें कूड़ा कचरा आप तूड़ी और जो है जितना रबर है, जितना प्लास्टिक वेस्ट आप सब गिरते हैं और देखेंगे आप तो जो भयंकर धुआं उससे होता है और उस धुएं के कारण जो है पूरा हमारा वायु प्रदूषण खराब हो जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर। तो मेरा तो कहना ये है इस पर के जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और जो राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ये इसमें वाकई में गंभीरता से और पूरी संजीदगी, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे तो इसके कुछ असरदार और प्रभावी जो है परिणाम देखने में आ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो समय समय पर भट्टों पर जाकर वायु प्रदूषण चेक करते रहें। इसी को देखते हुए आज दिल्ली एनसीआर में सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर इस तरीके के निर्देश जारी हो चुके हैं। अंशुमन यादव, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा।